तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अब वीडियो और आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए ले आया हूँ मैं फाइनली आ चुकी है आप लोगों के कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए दैट जो ये वाला गेम है जी टी ए ट्रायोलॉजी ये मेरे पीसी में चल पाएगा कि नहीं मेरा पीसी लो है हमको रिक्वायरमेंट पता करनी है हम गूगल पर जाते हैं वहाँ पे लिखते हैं जी टी ए ट्रायोलॉजी सिस्टम रिक्वायरमेंट एंड हमारे सामने आता है दैट आपके पास होना चाहिए आई फाइव प्रोसेसर और उससे ऊपर तो अगर आपके पास है आई सेवन तो बहुत अच्छी बात है लेकिन यार ये जो प्रोसेसर है उनके जिनके पास है ही नहीं वो क्या करेंगे यार वो क्या गेम्स को नहीं चला सकते तो इसका जवाब है हाँ आप चला सकते हो आपके पास कोई भी प्रोसेसर हो ठीक है आपके पास लो से लो प्रोसेसर भी होता है तो आप इस गेम को चला सकते हो कैसे चला सकते हो वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ठीक है so, सो सबसे पहले सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है दैट जो प्रोसेसर है वो गेमिंग के लिए इतना मैटर नहीं करता जितना आपका ग्राफिक कार्ड करता है बिकॉज आपको पता है इधर ग्राफिक कार्ड और ग्राफिक कार्ड का, का काम यही होता है ग्राफिक्स को प्रोसेस करना आपकी गेम के ग्राफिक्स को प्रोसेस करना तो ये जो पूरा का पूरा लोड होता है वो गेम के ऊपर डालता है ठीक है लेकिन जिसके पास ग्राफिक कार्ड है ही नहीं जिनके पीछे में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ ही नहीं है वो लोग क्या गेम्स को खेल सकते हैं तो इसका जवाब है जी नहीं ग्राफिक कार्ड्स अगर आपके पीसी में है तो आप जो है गेम्स को खेल पाओगे अगर आपके पीसी के अंदर लो एंड अगर आपको low end PC आपका लो एंड पीसी है वहाँ पे आपका सीपीयू लो एंड है और आपके ग्राफिक कार्ड ही नहीं है तो उस सिचुएशन में आपके गेम्स हगेंगे ठीक है उस सिचुएशन में आपके गेम लैग होंगे जो रियलिटी में वही बता रहा हूँ ठीक है ऐसा नहीं कि ग्राफिक कार्ड है ही नहीं तो हम गेम्स ही नहीं प्ले कर पाएंगे नहीं गेम्स प्ले कर पाओगे लेकिन उस सिचुएशन में अगर आपका प्रोसेसर थोड़ा सा अच्छा है तो क्या होगा कि आप जो गेम खेल रहे हो वो सारा का सारा लोड जो है प्रोसेसर के ऊपर लेगा ठीक है क्योंकि ग्राफिक कार्ड तो है नहीं तो सबका सब लोड और भी सी बात है कि आपके प्रोसेसर के ऊपर पड़ेगा और उस सिचुएशन में आपका गेम लैग कर सकता है इफ़ आपका जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा लो है ठीक है तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो काफ़ी लोगों के बीच में था कि हमारे पी में गेम लैग करेगा हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसका क्या साइज़ होने वाला है किस तरीके से हम डाउनलोड करेंगे तो वो भी सब मैं चीज़ें कवर करने वाला हूँ वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोगों का डाउट होता है ये रैम रैम मतलब कितनी रैम चाहिए गेम के लिए अब रैम का जो मुद्दा होता है गेम्स के मुकाबले में वो होता है लेकिन इतना नहीं होता है जितना ग्राफिक कार्ड और जितना प्रोसेसिंग वगैरह में होता है ठीक है ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है तो वही ग्राफिक कार्ड होता है और वही सबसे बड़ी चीज होती है आपके पीसी में ऐसा नहीं है कि यार सिक्सटी फोर रैम लगी हुई है लेकिन ग्राफिक कार्ड बिल्कुल लो एंड ग्राफिक कार्ड और मतलब ग्राफिक कार्ड है ही नहीं तो उस सिचुएशन में यार आपका गेम एकदम स्मूथ नहीं चलेगा उस सिचुएशन में आपका गेम लैग करेगा और ठीक है तो ये वाली जो चीज़ है ये आप एक क्लियर कर लो दैट रैम इतना मैटर नहीं करता और मैं भी मानता हूं दैट रैम मैटर करता है लेकिन उतना नहीं करता जितना आपका ग्राफिक कार्ड करता है ग्राफिक कार्ड एंड सी जितना अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी ठीक है तो आपके मन में डाउट क्लियर हो चुका होगा आई होप कि आपके पी में कोई भी सी हो कोई फर्क नहीं ग्राफिक कार्ड होना चाहिए तब आप जो है गेम को डाउनलोड करके और चला सकते हो ठीक है गूगल की बात करें तो गूगल एक एग्जाम्पल देता है, पास ये है तो आप इस गेम को चला पाओगे हमारे तो पास होनी चाहिए तो वो गलत है ठीक है अब बात करते हैं गेम के साइज की के का, का जो है, वो कितना है तो वो जो साइज है वो थर्टी फोर जीबी और सबसे अच्छी बात की यह Aqui, uh... इस गेम का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बना रखा है दैट आप किस तरीके से गेम को डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा पे इंस्टॉलेशन भी बताया आपको तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है आप चाहिए वहां से चेक कर सकते हो ठीक है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है थर्टी फोर जी बी का इसका साइज रहेगा और एक बात ठीक है साइज़ तो मैंने आपको बता दिया है अब बात आती है कि हमारे सी पी यू और जी पी यू अगर लो है तो उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से किया जाए जी हाँ तो उसको आप ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हो अगर आपका पी सी लो है वहाँ पर अगर आपकी गेम्स लाइक करते हैं तो आपको मैं एक वीडियो सजेस्ट करूंगा जो कि है एन पैनल के सेटिंग्स के ऊपर अगर आपके पीसी में एन का ग्राफिक कार्ड है लेकिन थोड़ा सा लो है लाइक uh, मी like क्योंकि मेरे पास भी एक एन का ग्राफिक कार्ड है लेकिन बहुत ज़्यादा लो है एंड उसके ऊपर मैंने अपने एन कंट्रोल पैनल के अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स करी है जिसके बाद में जो मेरे गेम से वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने लगे हैं और मेरे को बिलीव नहीं होता दैट की जो सेटिंग्स है वो इतना ज़्यादा आपको आपके पी में जो है बिल्कुल फ़र्क ला देती है एफपीएस को इंक्रीज कर देती है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वो वीडियो को देखने के बाद में आपके जितने भी गेम्स होंगे पीसी के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्मूथ चले चलने लगेंगे इवन गेम्स ही नहीं आप कोई सॉफ्टवेयर भी चला रहे हो ना या फिर आप कोई भी ऐसा टास्क कर रहे हो जिसमें हैवी रिक्वायरमेंट की आपकी नीड है तो उसके अंदर आपका जो पीसी वो हगने नहीं वाला बहुत जितना हो सकता है पीसी से उतनी फुल मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल के आपको प्रोवाइड करेगा ठीक है तो वो वीडियो आपको आपको सजेस्ट करूँगा वो वीडियो आप जा करके ज़रूर देखिए और आज के इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही आई होप दैट आपने इस शॉर्ट वीडियो को पसंद किया होगा एंड अगर आपने पसंद किया है तो प्लीज़ नीचे लाइक करके कमेंट करके मेरे को जो है रिस्पॉन्स देना मत बोलना कॉज रिस्पॉन्स यार काफ़ी लोग नहीं देते हैं न्यू पेपर्स हो जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को बहुत कम ही प्रेस करते हैं तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ डोंट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी बोर्ड के साथ किसी अच्छी चीटी सर एंड के या फिर कोई अच्छी वीडियो के साथ या फिर फेस गेम के गेम प्ले के साथ जब तक के लिए